जल्दी भगाओ जल्दी। अरे अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे। मैम साहब टी शर्ट ले लो ना, मैम साहब टी शर्ट। टी शर्ट कितने की है? मैम साहब बस 100 रुपए की एक है। 100 रुपए की? एक काम करो सारी दे दो। सारी? ठीक है मैम साहब। मेरा सिक्का दे दिया, उठाता हूँ मैम, उठाता हूँ। जल्दी भगाओ जल्दी। अरे अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, पैसे तो दे जाते मेरे। आज तुम मर नहीं आ गए। सही कह रही है यार। फ्री की टी शर्ट मिल गई। अरे ये क्या हो रहा है तुम्हारी गाड़ी को? यार लगता है गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा? दिखा लेते हैं उसे भी, कभी जुगाड़ है मेरे पास। ठीक है चलो। साहब हो गई आपकी गाड़ी ठीक? अच्छा हो गई? कितने रुपए हो गए भाई तेरे? बस 200 रुपए। 200 रुपए? कोई नहीं, एक काम करिए 500 पकड़। लेकिन साहब मेरे तो बस 200 रुपए हुए ना। तुम 500 रखो। सही है साहब, भगवान करे कि आपके जैसे 2-4 कस्टमर और आ जाए, हमारा तो दिन बन जाएगा। जल्दी भगाओ जल्दी, इससे पहले कि वो नोट देख ले। अरे साहब साहब ये क्या, 500 का नकली नोट दे गए। अरे यार अब क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी को? यार मुझे क्या पता, अभी तो ठीक करवाई थी। एक काम करते हैं बाहर चल के देखते हैं। चलो कुछ समझ आ रहा है? यार इतना ही समझ आ रहा होता ना तो मैं गाड़ी ना ठीक कर लेता। मुझे तो लग रहा है पक्का उस मैकेनिक ने कुछ गड़बड़ की है। सही कह रही है। फोन उठा। हेलो क्या? हाँ ठीक है हम दोनों अभी घर आ रहे हैं। हाँ ठीक है। क्या हुआ विशाल? मेरे भाई करण का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल वालों ने कहा है हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना पड़ेगा। कोई नहीं मैं किसी मैकेनिक को देखता हूँ। यार तुम्हारी गाड़ी इसे भी अभी खराब होना था। भैया अरे भैया भैया ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मेरी टी शर्ट ले ली थी और रुपए भी नहीं दिए थे। हाँ भाई मैं जानता हूँ इन लोगों को, इन लोगों ने मुझसे गाड़ी ठीक करा ली थी और मुझे नकली 500 का नोट दे दिया था। क्यों क्या हुआ भैया, तुम्हारी गाड़ी फिर से खराब हो गई? हाँ भैया वो हमारी गाड़ी फिर से खराब हो गई है और इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज गाड़ी ठीक कर दो। अगर अभी गाड़ी ठीक नहीं हुई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया प्लीज। देखा आप लोगों ने हमारे साथ बेईमानी की और भगवान ने हमारी कितनी जल्दी सुन ली, और इसके बाद आपको ये लगता है कि मैं आपकी गाड़ी ठीक करूंगा? कुछ बोला भैया, इन लोगों की गाड़ी ठीक मत करना, इन लोगों ने हमारे पैसे खाए हैं, ये बहुत बेईमान लोग हैं, इसका भाई मरे तो मर जाए। नहीं छोटे, हमारे घर वालों ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए, और अगर आज मैं इनकी गाड़ी ठीक नहीं करूंगा तो हमें और इनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? और छोटे पैसे तो हम फिर कमा लेंगे, लेकिन आज हम किसी की जान बचा सकते हैं। हटिए भाई साहब मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। ये लीजिए साहब हो गई आपकी गाड़ी ठीक, जा सकते हैं आप लोग। चलो धन्यवाद भैया, और ये लो असली नोट है। लेकिन भैया ध्यान रखना, हम गरीब लोग ना बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, कभी किसी के साथ गलत मत करना। ठीक है भैया धन्यवाद।